हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लैडर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी जिसको हम इजीली ट्रांसलेट करना सीखेंगे इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी का टाइटल है चित्रकार को मिली है सीख, यानी द पेंटर हैज लर्न अ लेसन। तो आज की इस स्टोरी का हमारा टाइटल है द पेंटर हैज लर्न अ लेसन। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक नगर में एक चित्रकार रहता था। देखिए सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखिए था। कैसा टेंस यूज हुआ है इसमें? सिंपल पास्ट, यानी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को रख देंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? एक चित्रकार यानी अ पेंटर, अ पेंटर रहता था। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव इन ए सिटी, एक नगर। अ पेंटर लिव्ड इन ए सिटी। उसने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई और चौराहे पर टांग दी। देखिए दो पार्ट हैं और दो पार्ट एक कंजंक्शन और से कनेक्टेड है। तो उसने एक सुंदर तस्वीर बनाई, सिंपल पास्ट क्योंकि ई की साउंड आ रही है। चौराहे पर टांग दी, ये भी सिंपल पास्ट क्योंकि ई की साउंड आ रही है। दोनों ही पार्ट और कंजंक्शन से कनेक्टेड। उसने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई। ही बनाई, मेक और सेकंड फॉर्म हो जाएगी मेक। क्या बनाया? अ वेरी, बहुत सुंदर तस्वीर, ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। अब हमारा कंजंक्शन है एंड और। चौराहे पर टांग दी, देखिए टांगने का मतलब होता है हैंग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। थर्ड फॉर्म हो जाती, सॉरी सेकंड फॉर्म हो जाती है इसकी हंग। हंग चौराहे पर एट द क्रॉस रोड्स, चौराहे को कहते हैं क्रॉस रोड्स। ही मेड अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर एंड हंग एट द क्रॉस रोड्स। चित्रकार ने तस्वीर के नीचे लिख दिया, इस तस्वीर में जहां भी कोई कमी दिखाई दे तो कृपया वहां निशान लगा दे। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले बनाएंगे ये वाला पार्ट कि चित्रकार ने तस्वीर के नीचे लिख दिया। ये भी कौन सा पार्ट होता है? सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर, क्योंकि आ की साउंड आ रही है। चित्रकार ने, द पेंटर, लिखना राइट एंड सेकेंड फॉर्म हो जाती है रोट। तस्वीर के नीचे बिलो द पिक्चर। अब देखिए क्या लिखा, इस तस्वीर के नीचे, सॉरी इस तस्वीर में जहां भी कोई कमी दिखाई दे तो कृपया वहां निशान लगा दे। तो पहले हम बनाएंगे ये वाला पार्ट कि कृपया वहां निशान लगा दे, प्लीज मार्क। अब देखिए यहाँ पे कंजंक्शन देखिए, यहां लिख रहा है जहां और यहां लिख रहा है वहां। जहां वहां, तो केवल हम एक ही कंजंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, वेयर। ठीक है, प्लीज मार्क जहां यानी वेयर। ठीक है, इस तस्वीर में जहां भी कोई कमी दिखाई दे, वेयर एवर, जहां भी, वेयर एवर। ठीक है, इस तस्वीर में जहां भी कोई कमी दिखाई दे, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जहां भी कमी, जहां भी आपको कोई कमी दिखाई दे, वेयर एवर यू सी एनी फ्लॉ, FLAW, कोई कमी, एनी फ्लॉ इस तस्वीर में, इन द पिक्चर, इन इस तस्वीर में, इन दिस पिक्चर, द पेंटर रोट बिलो द पिक्चर, प्लीज मार्क वेयर एवर यू सी एनी फ्लॉ इन दिस पिक्चर। शाम होते होते वह तस्वीर बेहद खराब हो चुकी थी। चुकी थी, कौन सा टेंस हो जाता है ये? पास्ट परफेक्ट। शाम होते होते, बाय इवनिंग, बाय इवनिंग, वह तस्वीर, दैट पिक्चर, और पास्ट परफेक्ट टेंस है तो क्या लगाना होता है हमें? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड होना, बिकम और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? बिकम ही होती है। हैड बिकम, बहुत खराब, वेरी बैड। तो बाय इवनिंग दैट पिक्चर हैड बिकम वेरी बैड, शाम होते होते वह तस्वीर बेहद खराब हो चुकी थी। आने जाने वाले लोगों ने वहां सैकड़ों निशान लगा दिए थे। यहां भी देखिए क्या होता है,
ए थे, दिए थे, तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट। और क्या लगाना है हमें? हैड और की थर्ड फॉर्म। आने जाने वाले लोग, पीपल पासिंग बाय, द पीपल पासिंग बाय। क्या लगाना है हमें? हैड लगा दिए थे, यानी निशान बना दिए थे, ऐसे भी कह सकते हैं। थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेक की, मेड, हैड मेड। क्या लगा दिए थे? सैकड़ों निशान, हंड्रेड्स ऑफ मार्क्स, हंड्रेड्स ऑफ मार्क्स वहां, देयर। तो आने जाने वाले लोगों ने वहां सैकड़ों निशान लगा दिए थे। द पीपल पासिंग बाई हैड मेड हंड्रेड्स ऑफ मार्क्स देयर। यह देख चित्रकार बहुत दुखी हुआ। हुआ कौन सा टेंस हो जाता है? सिंपल पास्ट, यानी वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म रखनी है। चित्रकार बहुत दुखी हुआ यह देखकर, ऐसे बना सकते हैं हम इसे। द पेंटर, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी है हमें, बिकेम, बहुत दुखी, वेरी सैड, यह देखकर। टू सी दिस, द पेंटर बिकेम वेरी सैड टू सी दिस। तभी उसका मित्र वहां पहुंचा। यहां भी देखिए सिंपल पास्ट टेंस है, आ की साउंड आती है। तभी, जस्ट देन, उसका मित्र, हिज फ्रेंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी है पहुंचना, रीच, और सेकंड फॉर्म हो जाती है रीच्ड, वहां, देयर। तभी उसका मित्र वहां पहुंचा, जस्ट देन हिज फ्रेंड रीच्ड देयर। उसने उसे अपने दुख का कारण बताया। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल पास्ट टेंस है, उसने ही बताना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, उसे, हिम, ही टोल्ड हिम, क्या बताया? अपने दुख का कारण, द रीजन फॉर हिज सॉरो, या सैडनेस भी यूज कर सकते हैं आप। उसने उसे अपने दुख का कारण बताया, ही टोल्ड हिम द रीजन फॉर हिज सॉरो। तब मित्र ने कहा, कल एक दूसरी तस्वीर बनाना और उसे चौराहे पर टांगना। तब मित्र ने कहा, देन द फ्रेंड सेड, क्योंकि देखिए कहा सिंपल पास्ट टेंस है, तो द फ्रेंड सेड, फ्रेंड ने क्या कहा? कल एक दूसरी तस्वीर बनाना, ये देखिए दोनों जो सेंटेंसेस है, कल एक दूसरी तस्वीर बनाना और उसे चौराहे पर टांगना, दोनों ही सेंटेंस जो है इंपेरेटिव में है और एक कंजंक्शन और द्वारा कनेक्टेड। तो कल एक दूसरी तस्वीर बनाना, टुमारो बनाना, मेक, एक दूसरी, एन अनदर पिक्चर, टुमारो मेक एन अनदर पिक्चर, एंड और उसे चौराहे पर टांगना, एंड हैंग दैट एट, चौराहे पर, एट द क्रॉस रोड्स। ठीक है, देन द फ्रेंड सेड, टुमारो मेक एन अनदर पिक्चर एंड हैंग दैट एट द क्रॉस रोड्स। अब फ्रेंड आगे कहता है, उसके नीचे लिखना कि इस तस्वीर में जहां कहीं भी कोई कमी दिखाई दे, कृपया उसे सही कर दे। ठीक है, तो उसके नीचे लिखना, फ्रेंड कहता है पेंटर से कि उसके नीचे लिखना, तो क्या लिखेंगे? राइट बिलो इट, राइट बिलो इट की। अब देखिए ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट नरेशन में है, इसलिए हमें की लगाने, की के लिए दैट लगाने की जरूरत नहीं है, हम केवल कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा से अपना सेंटेंस स्टार्ट कर देंगे। राइट बिलो इट क्या कहना है फ्रेंड का? कि इस तस्वीर में जहां कहीं भी कोई कमी दिखाई दे, कृपया उसे सही कर दें। तो पहले हम बनाएंगे इस वाले पार्ट को, कि कृपया उसे सही कर दें, प्लीज सही कर दें, करेक्ट दैट, या इट लगा सकते हैं, करेक्ट इट, जहां कहीं भी, वेयर एवर। ठीक है, वेयर एवर क्या लिखना है?
इस तस्वीर में जहां कहीं भी कोई कमी दिखाई दे, या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इस तस्वीर में जहां भी कहीं आपको कोई कमी दिखाई दे, क्योंकि जो यू है वो इसमें यहाँ नहीं दिया हुआ है, हिडन है, तो हम यू का यूज कर सकते हैं। प्लीज करेक्ट इट वेयर एवर यू दिखाई दे, यू सी एनी फ्लॉ, कोई कमी, एनी फ्लॉ इस तस्वीर में, इन दिस पिक्चर। ठीक है, तो राइट बिलो इट, फ्रेंड कहता है पेंटर से कि राइट बिलो इट क्या लिखना है उसके नीचे, प्लीज करेक्ट इट वेयर एवर यू सी एनी फ्लॉ इन दिस पिक्चर। अगले दिन चित्रकार ने यही किया, देखिए लास्ट वर्ड है किया, आगे साउंड डालिए, सिंपल भाषा बनाएंगे हम इसे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट डे चित्रकार ने, द पेंटर, करने की इंग्लिश डू, सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड, डिड द सेम, यही किया, डिड द सेम, नेक्स्ट डे द पेंटर डिड द सेम। शाम को जब उस चित्रकार ने उस तस्वीर को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। ठीक है, कैसे बनाएंगे, शाम को। ठीक है, उस चित्रकार ने, जब उस चित्रकार ने उस तस्वीर को देखा तो वह स्तब्ध रह गया शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, जब, व्हेन, उस चित्रकार ने, व्हेन दैट पेंटर देखा, सिंपल पास्ट है, सॉ, सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम सी की, सॉ दैट पिक्चर, तो वह स्तब्ध रह गया, ही स्तब्ध रहना, स्टन लगाएंगे, तो ही इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस में, तो ही वाज स्टन्ड, स्टन्ड यानी स्तब्ध रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। ठीक है, इन द इवनिंग व्हेन दैट पेंटर सॉ दैट पिक्चर ही वाज स्टन्ड, तस्वीर में कहीं कोई निशान नहीं लगा था। ठीक है, इसको बनाएंगे हम, देखिए सेंटर में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, और जहां कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता वहां हम देयर का यूज करते हैं, तो देयर वाज, वाज क्यों लगाएंगे, था आ रहा है पीछे, पास्ट टेंस में है, तो देयर वाज, देखिए कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं यानी नॉट का यूज नहीं करेंगे आप, क्या लगाएंगे हम, नो, देयर वाज नो, कोई नहीं निशान, नो मार्क, कहीं भी, एनीवेयर, एनीवेयर पिक्चर में, तस्वीर में, इन द पिक्चर या ऑन द पिक्चर लगाई, क्योंकि तस्वीर पर कोई निशान नहीं था, ऑन द पिक्चर, तस्वीर में कहीं कोई निशान नहीं था, देयर वाज नो मार्क एनीवेयर ऑन द पिक्चर, उसे किसी ने खराब नहीं किया था, यानी पिक्चर बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरी थी, जैसे ही उसका स्टेटमेंट बदला तो कहीं भी कोई किसी ने निशान नहीं लगाया, तो अब हमारा सेंटेंस क्या है कि उसे किसी ने खराब नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था यानी नो वन, किसी ने भी, नो वन, किया था, कौन सा टेंस होता है ये, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि आ की साउंड भी आ रही है उसके बाद आ रहा है था। ठीक है, तो हैड का यूज करेंगे, अब हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम नो वन लगा चुके हैं, हैड खराब करने की होती है स्पॉइल, और थर्ड फॉर्म हो जाती है स्पॉइल्ड, उसे दैट या स्पॉइल इट भी कह सकते हैं, नो वन हैड स्पॉइल्ड दैट, उसे किसी ने खराब नहीं किया, वह समझ गया कि यही संसार की रीति है, वह समझ गया, ही सिंपल पास्ट है, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म लगाएंगे अंडरस्टैंड की, ही अंडरस्टूड की दैट यही संसार की रीति है, दिस इज है आ रहा है, इज द रीति यानी तरीका, वे संसार की, ऑफ द वर्ल्ड, वह समझ गया कि यही संसार की रीति है, ही अंडरस्टूड दैट दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। कमी निकालना, निंदा करना बहुत आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना सबसे कठिन कार्य है। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर, कमी निकालना, निंदा करना बहुत आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना सबसे कठिन कार्य है। सेंटेंस लंबा है, थोड़ा थोड़ा करके इसको आसानी से बनाएं। कमी निकालना, तो पहले हम यहां से बनाएंगे
कि सबसे सॉरी कमी निकालना, निंदा करना बहुत आसान है। तो पहले बनाएंगे आप, बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी, क्योंकि हमारा पहला पार्ट है बहुत आसान है का। इट बहुत आसान, वेरी इजी। कमी निकालना यानी कमियां ढूंढना, टू फाइंड फ्लॉज, और निंदा करना एंड क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज आलोचना करना, निंदा करना, बुराई करना, मतलब क्रिटिसाइज, यानी कमी निकालना, निंदा करना बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी टू फाइंड फ्लॉज एंड क्रिटिसाइज, लेकिन बट उन कमियों को दूर करना सबसे कठिन कार्य है। तो हम बनाएंगे पहले उन कमियों को दूर करना, यानी रिमूविंग, दूर करना, हटाना, रिमूविंग उन कमियों को, दोस फ्लॉज। सबसे कठिन कार्य है इज द, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे हम, इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। तो कमी निकालना, निंदा करना बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी टू फाइंड फ्लॉज एंड क्रिटिसाइज, लेकिन उन कमियों को दूर करना सबसे कठिन कार्य है, बट रिमूविंग दोस फ्लॉज इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी शॉर्ट स्टोरी थी, और विद ए मोरल। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।